दोस्तों आज हम जानेंगे ऐसे सुंदर प्राणी के बारे में जिसे पाकिस्तान का नेशनल एनिमल माना गया है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे मारखोर के बारे में। मारखोर जिसे स्क्रू हॉर्न गोट के नाम से भी पहचाना जाता है और मारखोर ज्यादातर वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के माउंटेनस रीजन के यहाँ पर पाया जाता है। और मारखोर की तीन प्रकार की उप प्रजाति पाई जाती है, फ्लेयर हॉर्न मारखोर, कबूल मारखोर और बुखारन मारखोर। और तीनों ही मारखोर में शेप और साइज का डिफरेंस है। मारखोर एक शाकाहारी प्राणी है जो मांस का सेवन नहीं करते और मारखोर ज्यादातर ग्रासेस, लीव्स और हर्ब्स को कंज्यूम करते हैं। और जंगलों में मारखोर का शिकार ज्यादातर स्नो लेपर्ड, ब्लैक बेयर, वुल्व्स और भी अन्य प्राणी करते हैं। पर्शियन लैंग्वेज में मारखोर का मतलब होता है स्नेक, जो उसके सींग को उल्लेख करता है। और मारखोर को एक डियर्नल एनिमल भी माना गया है जिसका मतलब यह होता है वह प्राणी जो दिन में सक्रिय रहता है और रात को सोता है। और मारखोर ज्यादातर गर्मियों के सीजन में मैटिंग करते हैं और फीमेल मारखोर जिसका प्रेगनेंसी पीरियड तकरीबन 5 से लेकर 6 महीने का होता है और ठीक 5 से 6 महीने के बाद वह तकरीबन 2 बेबी मारखोर को जन्म देती है। और उन बेबी मारखोर को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 3 से लेकर 6 महीना लगता है। और मेल मारखोर दूसरे मेल मारखोर से फाइट करते हैं ताकि उन्हें फीमेल के साथ मैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल सके। मेल मारखोर ज्यादातर सॉलिटरी एनिमल होते हैं जो अपना जीवन ज्यादातर अकेले ही बिताते हैं, लेकिन इसके विपरीत फीमेल मारखोर जो ज्यादातर ग्रुप्स में पाए जाते हैं और उनके ग्रुप में तकरीबन 10 से भी अधिक मारखोर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मारखोर की लंबाई तकरीबन 130 से लेकर 200 सेंटीमीटर की होती है और वेट तकरीबन 30 से लेकर 100 किलोग्राम का होता है। और मारखोर तकरीबन 17 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार मारखोर जंगलों में तकरीबन 10 से लेकर 13 साल तक ही जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।